हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टायरलेस उड़ू वाला पर। दोस्तों, आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से आने वाले जितने भी करेंट अफेयर के फैक्ट्स बनेंगे इंपॉर्टेंट, सभी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों 17 सितंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का भी रिविजन करेंगे, क्विक रिविजन। अगर दोस्तों अब आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इसके साथ ही सब्सक्राइब के बगल में एक बटन आएगा बेल आइकन का, आप इसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि इस चैनल से आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेगी। चलिए 17 सितंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेजर होंगी सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ, कार्यकारी अधिकारी बन चुकी हैं। योशिहिदे सुगा जो होंगे अब जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में आ जाएंगे और ये किनका जगह लेंगे, शिंजो आबे का जगह लेंगे। आदित्य पुरी को यूरोमनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया है। हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से चुन लिए गए हैं। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में बनाया गया है। समीर कुमार खरे ने एशियन डेवलपमेंट बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त कर लिया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र के इकोनॉमिकल सोशल कल्चर निकाय का एक सदस्य बन चुका है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। लुइस हैमिल्टन ने F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है वो जीत लिया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार साल 2019 के लिए डेविड एटनबरो को दिया जाएगा। अगला है NTPC ने एम्स चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जो है वो जीत लिया है। हर साल की तरह 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस जो है मनाया गया। 17 सितंबर के लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, सही आंसर है 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और आज 18 सितंबर के करंट अफेयर्स पे चलते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए दोस्तों मेरा परिवार और मेरी जिम्मेदारी जो है इस अभियान की पहल की है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला है जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। ये है स्वामी अग्निवेश आपके सामने है। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश जो व्यापक रूप से दासता और बंधुआ मजदूरों के खिलाफ बोलते रहे उनका अब निधन हो गया है। अपने काम के लिए जाने जाते थे दोस्तों ये, और 1977 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में भी इनको चुना गया था। अगला है पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये है सचिन तेंदुलकर। डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी जो है पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG ने क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों पेटीएम के जो अध्यक्ष हैं वो है अमित नायर, पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा और पेटीएम की स्थापना जो हुई थी वो अगस्त 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने MP में गृह मंत्री कार्यक्रम को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया है और इस कार्यक्रम में 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत जो है वो निर्मित पक्के घर भी सौंपे जाएंगे। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं। किस देश ने बंधुआ मजदूरी के नामकरण के बाद चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र। अमेरिका ने हाल ही में चीन के जिनजियांग प्रांत के कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्तुओं सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों जो वो देश है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है जिसने बंधुआ मजदूरों के नामकरण के बाद चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है भारत में यूट्यूब द्वारा शुरू किया गया शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, तो ये है शॉर्ट्स। दोस्तों शॉर्ट्स जो है यूट्यूब पर आने वाले इसी की कंपनी है और ये शॉर्ट्स जो है यूट्यूब में टिकटॉक के बाद जो है यूट्यूब ने इसको स्टार्ट किया है ताकि भारत में जितने अभी युवा पीढ़ी के लोग हैं वो शॉर्ट्स को यूज कर सकें। देखिए दोस्तों इसके बारे में भी जान लेते हैं। यूट्यूब ने हाल ही में भारत में यूट्यूब शॉर्ट्स नामक अपना एक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसे भारत में टिकटॉक के प्रतिबंध के कारण पैदा हुई खामियों को भरने के लिए किया गया है। यूट्यूब के जो CEO हैं यो सुशान वॉज सिकी हैं और इसका मुख्य संगठन जो है वो गूगल है और इसकी स्थापना जो है
2006 में हुई थी। दोस्तों YouTube जो है ये Google का प्लेटफॉर्म है, YouTube ने इसको Google ने YouTube को खरीद लिया था। अगला देखिए, पंजाब कृषि फसल अवशेष को बायोमास ईंधन में परिवर्तित करेगा और ये पहला राज्य बन चुका है। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी मतलब पेड़ा पंजाब सरकार के साथ मिलकर जल्द ही धान के भूसे का उपयोग करके एक विकल्प को सामने लाई है और इससे बायोमास ईंधन में परिवर्तित किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की लेखिका कौन है? ये है गौरी खान, और ये गौरी खान जो है वाइफ है शाहरुख खान की वाइफ है। तो माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की जो लेखिका है वो गौरी खान है। अगला देखिए, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नामक जो पहल है शुरुआत की है, और ये पोर्टल जो शुरुआत की है वो ट्विटर इंडिया ने शुरुआत की है। इसका जो मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य में है, और इसकी जो स्थापना है मार्च 2006 में हुई थी। और दोस्तों आज आखिरी सवाल, पेटीएम का जो मुख्यालय है वो आपको बताना है कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, दिल्ली में है या फिर महाराष्ट्र में है? ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये करंट अफेयर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों मैं एक बार फिर से बोलूंगा, अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या फिर लाइक जरूर करिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मिलेंगे 19 सितंबर के करंट अफेयर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।